तुम्हें पहली सी नजर में ही खामोश उम्मीदों से गुजरना होगा। रात को तुमसे ही छिपकर तुम्हारे लिए ख्वाब बुने जाएंगे। इस अनंत के मोह से बंधी आरंभ की ऊर्जा के बीच भी जो तुम ठहर सको तो एक बार ठहरना जरूर। तुम्हारे नन्हे कदमों को रास्तों की आदत पड़ने से पहले ही छोटे बड़े पत्थरों से संभलना होगा। घर के आंगन में तुम्हारे तुलसी का चौबारा बनाकर झोपड़ियां तोड़ सकरी गलियों में इमारतें बनती जाएंगी। इन आकांक्षाओं के भंवर में फंसी अपनी भावनाओं के आंधी के बीच भी जो तुम ठहर सको तो एक बार ठहरना जरूर। तुम्हें उम्र की बढ़ती बदलती सीढ़ियों को चढ़ने से पहले ही अनुभव के असीम सागर को पार करना होगा। तुम्हें गिरकर स्वयं उठना सिखाकर तुम हार न जाओ तो दूसरों को गिराने के तरीके सिखाए जाएंगे। इस कुंठित प्रकाश की आड़ में अंधकार को पुकारती अपेक्षाओं के बीच भी मेरे यारों अगर तुम ठहर सको तो एक बार ठहरना जरूर। तुम्हारा प्रत्येक त्याग मृत्यु छल समझ मिटा न जाए इससे पहले ही अपनी कल्पनाओं को जीवंत करो और अपनी आत्मा को अस्तित्व प्रदान करो। इस शिथिल जीवन को सहर्ष सोकर मोक्ष रूपी माया को पाने के बीच भी मेरे यारों अगर तुम ठहर सको तो एक बार ठहरना जरूर। और इसके बाद मेरी दूसरी कविता, आप सबों को नींद ना आए तो मैंने चेंज कर दी है, पहली बार मैंने कुछ और कहा था, अब थोड़ा सा बदल रही हूँ, तो गौर फरमाइएगा। कहने को हजारों किस्से हैं, कुछ गुल से हैं, कुछ गुलिस्ता से हैं। देने को हजारों जवाब हैं, कुछ सीधे से हैं, कुछ पेचीदे से हैं। बुलाने को हजारों वाकिए हैं, कुछ राख से काले हैं तो कुछ लहू के लाल से हैं। सुनाने को हजारों आवाजें हैं, कुछ शाम के सन्नाटे से हैं तो कुछ भोर के शोर से। देखने को तो हजारों अक्स हैं मेरे, कुछ तुम जैसे हैं तो कुछ तुम्हारी ही बनाई तस्वीरों से हैं। बहुत कुछ है यहाँ हजारों की तादाद में, पर अब न तुम हो न मैं हूँ, और न हजारों मुश्किलों से गुजरकर वो मिले हुए हजारों लाखों करोड़ों पल हैं। थैंक यू एवरीवन।